अच्छा और बहुत ही अच्छा सा बैग है। ये सिर्फ 200 में वहाँ पे मिल रहे थे और विल ब्रदर है और ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये भी जूट का है। सो इसलिए फ्रेंड अब मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इसके मैंने प्राइस आपको बता दिया। तो यही था शॉपिंग मेरा, आपको कैसा लगा मेरा शॉपिंग मुझे। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड ताप्ती। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। फ्रेंड मैं दो दिन पहले सरोजनीगर मार्केट गई थी और मैंने वहाँ पे क्या परचेज किया वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। फ्रेंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, मेरा संडे इवनिंग का जो प्लान था, हम अपने एक फ्रेंड के घर विजिट किए थे, उन्होंने अपने घर पे बारबेक्यू सेटअप किया था, तो उसका भी क्लिप मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। तो फ्रेंड चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने शॉपिंग में क्या किया। तो फ्रेंड सबसे पहली चीज जो मैंने वहां पे परचेस की है वो ये एक जूट का बैग है, आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा सा बैग है फ्रेंड और ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर में इस तरीके से एक और जो है बैग बना हुआ है जिसके अंदर हम अपना कोई भी स्टफ या सामान इसमें डाल के इसको हम इजिली बांध सकते हैं एंड देन साइड से भी हम अपना कुछ और भी प्लेस कर सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही अच्छा सा बैग है। ये सिर्फ 200 में वहाँ पे मिल रहे थे और बहुत ही अच्छा है। मैंने इस तरीके का बैग इस पर्पज से भी लिया है कि मैं इसमें कुछ DIY भी करूँगी और वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। फिर नेक्स्ट आइटम है वो भी एक बैग है, मैं ऐसा बैग लेने का सोच रही थी क्योंकि मैं कहीं भी आती जाती हूँ तो मेरा जो कैमरा होता है उसे बैग उसका बैग थोड़ा हेवी होता है और लेंसेज वगैरह होते हैं, इस वजह से जो सिंपल सा कैमरा हो माइक हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हों जो इसमें ईजिली आ सके तो मैंने उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें आ सके इसलिए मैंने ये बैग खरीदा है। और ये भी वहाँ पर जो है फ्रेंड सिर्फ 200 रुपीज़ में मिला है, आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा सा बैग है। आफ्टर बैग फ्रेंड लेट्स स्टार्ट विद सम रनर्स। ये इस तरीके के टेबल रनर हैं और ये भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ये भी जूट का है एंड बहुत तरह के फैब्रिक में अवेलेबल था पर मैंने जूट पिक किया क्योंकि मुझे जूट के आइटम्स जो है बहुत पसंद है, इसलिए फ्रेंड मैंने ये जूट का जो है रनर लिया है ताकि मैं इसमें भी कुछ DIY कर सकूँ, मैं कुछ पेंट कर सकूँ या कुछ थ्रेड वर्क हो या कुछ भी हो जो बहुत खूबसूरत सा लगे वो मैं कर सकूँ और वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। फ्रेंड नाउ माय थर्ड आइटम जो है फोर्थ वन इज दीज जंग ज्वेलरी। इस तरह के जंग ज्वेलरी मैंने खरीदे हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत 100 रुपीज़ में विथ ईयरिंग के साथ इस तरह के सेट्स जो है वहाँ पे 100 रुपीज़ में ही मिल रहे थे और इसी वजह से फ्रेंड मैंने खरीदे हैं दो। इस तरीके से भी है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है ये है और इसकी इयररिंग जो है वो मैंने पहन रखी है, आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये भी 100 रुपीज़ में ही विद इयररिंग ये भी सेट हुआ है मुझे और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने खरीदा है वो इस तरीके के जो हैं, इस तरीके का जो रिंग है वो मैंने खरीदा है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो इस तरह के रिंग्स बेचते रहते हैं वहाँ पे, वो नाम लिख के बेच देते हैं पर मैंने फ्रेंड विदाउट नाम लिखा लिया है तो इसलिए मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया कि मैं इस पर अपना कुछ DIY कर सकती हूँ तो मैंने इसमें कोई नाम नहीं लिखवाया, इस तरीके से मैंने ये बहुत सारे रिंग लिए। फ्रेंड लेट्स गो एंड वॉच कि मैंने वहाँ से कौन क्या क्या कपड़े खरीदे हैं। जनरली विंटर के बहुत सारे कलेक्शन थे वहाँ पर मैंने विंटर का कलेक्शन नहीं लिया क्योंकि अब ऑलमोस्ट विंटर जाने पे है तो मैंने विंटर का कुछ भी नहीं खरीदा, समर के अकॉर्डिंग खरीदा और समर के उतना भी ज़्यादा कलेक्शन नहीं थे बट मुझे कुछ टी शर्ट परचेस करने थे इस वजह से मैंने वहाँ से बहुत कुछ टी शर्ट लिया है। और फ्रेंड सरोजनी नगर का जीन्स भी काफ़ी फेमस है तो मैंने वहाँ से एक जीन्स भी परचेस किया है तो चलिए मैं आप लोग साथ शेयर करती हूँ। नाउ फ्रेंड लुक दिस वन इज द टी शर्ट, इस तरह के प्लेन टी शर्ट्स लिए हैं मैंने, ये उल्टा है मैं आपको सीधा कर देती हूँ, बिल्कुल प्लेन टी शर्ट्स हैं, इस पर कुछ भी वर्क नहीं किया हुआ है, मैं इस पर भी DIY करने के पर्पज़ से ही लिया है क्योंकि मैं
चाहती हूँ कि उसमें कुछ वैसा वर्क, अपना कुछ हैंडवर्क करूँ और उसे पहन के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उसमें मैंने कैसे किया वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो इसलिए फ्रेंड, अब मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज। एंड नाउ लेट्स गो ऑन सेकेंड टी शर्ट। ये मेरे इस तरीके के लाइनिंग टी शर्ट्स हैं, मुझे जनरली लाइनिंग टी शर्ट्स जो है बहुत पसंद है, तो ये भी एक लिया है। और तीसरा टी शर्ट जो है इस तरह का ब्लैक टी शर्ट है, देख रहे हैं टैग लगा हुआ है, H&M का टैग लगा हुआ ही है। एंड ये जो है ब्लैक टी शर्ट है, प्लेन ब्लैक टी शर्ट फॉर डूइंग सम आर्ट ऑन इट, तो इस वजह से मैंने इस तरीके की चीज़ ली है। और एक जीन्स लिया है, जॉगर इस तरीके का एक जीन्स भी लिया है। जनरली सारे जो है फ्रेंड मुझे पर 200 का पड़ा है, सारे टी शर्ट भी 200 के पड़े हैं। तो ये मेरी शॉपिंग थी वहाँ पे। अभी मुझे जनरली समझ नहीं आया कि मैं समर के लिए और क्या खरीदूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड यही मेरी शॉपिंग थी सरोजनी नगर की, आई होप आपको पसंद आई होगी। और फॉर मोर फ्रेंड, मैंने फैब्रिक के तो प्राइस बता दिए, रिंग के प्राइस बता दिए, मैं इसका प्राइस बता दूँ कि ये 50 rupees ईच, ओके मैंने दो लिया है, 100 rupees का वहाँ पे मिल रहा था। बैग्स के मैंने प्राइस आपको बता दिया। तो यही था शॉपिंग मेरा, आपको कैसा लगा मेरा शॉपिंग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नाउ फ्रेंड आप देख सकते हैं कि संडे इवनिंग का मेरा जो क्लिप है, जो कल मैंने कुछ थोड़े से शूट, जो छोटा सा पार्ट शूट किया है, वो आप अब इंजॉय करिए। फ्रेंड हम उनके घर इवनिंग में विजिट किया और उन्होंने बारबेक्यू का पूरा अरेंजमेंट कर रखा था। फ्रेंड फर्स्ट टाइम इस तरीके से घर में बारबेक्यू का मैंने एक्सपीरियंस लिया और ये बहुत ही अच्छा था। सो मैंने भी ट्राई कर लिया इस तरीके से, चिकन टिक्का जो है बारबेक्यू में हमने बनाया और बहुत ही मज़ा आया। फ्रेंड चिकन टिक्का के साथ बना बारबेक्यू पे लिट्टी, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। फ्रेंड लिट्टी जो है वो एक बिहारी डिश है एंड बहुत ही अच्छी डिश है। लास्टली हम सब ने साथ में डिनर किया और हम बहुत इन्जॉय किए। सो फ्रेंड कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।